से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि घसीट से जुड़े हुए बहुत सारे कहरवा के वेरिएशन और इनको कैसे बजाएं और बड़ी आसानी से कैसे बजाएं। अब ये घसीट से जुड़े हुए कहरवा के वेरिएशन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो ऑफलाइन क्लासेस में सीखते थे और अभी भी सीख रहे हैं जो, तो वो ये पूछ लेते हैं कि सर जो घसीट है ये बहुत सारे वेरिएशन उन्होंने पूछे थे, आज मैं सारे वेरिएशन आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो घसीट से जुड़े हुए कहरवा वेरिएशन हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो घसीट वाले वेरिएशन है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी जो मैं शुरुआत में वेरिएशन बजा रहा था ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत सारे भजनों गीतों गजलों में हर प्रकार की शैली में ये जो वेरिएशन है ये बजाए जाते हैं। तो चलिए ये घसीट से जुड़े हुए वेरिएशन आज सीखते हैं कहरवा वेरिएशन, चलिए शुरू करते हैं। अब घसीट क्या है, पहले घसीट को समझ लेते हैं कि जिस वेरिएशन में हमारा जो हाथ है डग्गे पर वो क्या है, यानी कि आप सीधे से समझ लीजिए घसीट का मीनिंग है जो डग्गे पर अपना जो हाथ है यानी कि जो हथेली है उसको घिसाते हुए बोल को निकालना, तो इसको हम घसीट बोलेंगे। और बहुत सारे जो तबला वादक हैं जो तबला सिखाने वाले गुरु हैं वो कि इसको कुछ और भी बोलते होंगे, तो मैं इसे घसीट ही बोलूंगा। तो देखिए घसीट लगाते हुए बोल को निकाला जाता है, ऐसे बोल निकाले जाते हैं या डबल घसीट हो जाती है, कैसे देखिए ऐसे हो जाती है या ऐसे हो जाती है, ये भी घसीट हो जाती है। पर जो प्रॉपर सही जो घसीट है अगर वेरिएशन में लगाई जाए तो ही वेरिएशन बहुत अच्छा लगता है। अब घसीट से जुड़े हुए जितने भी वेरिएशन है अब मैं बजाकर आपको दिखा रहा हूं और एक एक करके उनको सिखा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो मैं वेरिएशन बजा रहा हूं वो देखिए और उसके बोल मैं आपको आगे बता रहा हूं। चाहते हैं तो एक वीडियो में मैंने इस वेरिएशन के बारे में बताया हुआ है, तो उस वीडियो में आप जाकर इस वेरिएशन को डिटेल में यानी कि डीपली आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए मैंने इसके बोल आपको बता दिए, अब इसे बजाकर देखते हैं। तो पहले मैं आपको फिर बोल बता रहा हूं, धीधा 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 धीधा, अब इसको बजाते हैं देखिए। आती है धी धी धा, धावे घसीट नहीं है ये खुला बोल है, धी धा धी धा धी धा धी धा। तो देखिए घसीट कहां पर आ रही है, देखिए धी धा धी धा धी धा धी धा, जहां पर भी आपका धी बोल आ रहा है वहां पर घसीट आ रही है। देखिए धी धा 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 धी धा, तो आप समझ गए होंगे कि घसीट कहाँ आ रही है। तो इसको सही ढंग से प्रॉपर अच्छे ढंग से आपने लगाना है, तो ये वेरिएशन तभी बहुत अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए, अब इसी वेरिएशन के साथ जुड़ा हुआ एक और वेरिएशन है वो है धींधा 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 धींधा, देखिए
ये बोल है धींधा धींता तींधा धींधा, इसमें ये बोल निकाला जाता है, इसको बोलते हैं तीन बोल, ये मैदान पर निकाला जाता है। और इसके बारे में भी मैंने डिटेल में अपने जो एक वीडियो में बताया हुआ है इस वेरिएशन के बारे में, और मिलते जुलते जो जुड़ते हुए एक दूसरे वेरिएशन है उसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए धींधा धींधा तींधा धींधा, तो इसको धींधा धींधा भी बोलते हैं, धींधा धींधा तींधा धींधा ये भी बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये सेम है। तो ये आपका दूसरा वेरिएशन हो गया। एक वेरिएशन था मैंने आपको बताया था, देखिए, तो देखिए ये बोल है दिट, इसके वेरिएशन के बोल है दिट 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 दिट। इसमें देखिए दो जगह जो घसीट है इकट्ठी है, देखिए दिट 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 दिट, यानी कि धी बोल पर दिट 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 दिट। अब समझ लीजिए जहां पर भी इस वेरिएशन में धी आ रहा है तो उसमें घसीट है, देखिए स्पीड में बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है ये वेरिएशन, देखिए। तो देखिए कितना अच्छा ये वेरिएशन लगता है। तो चलिए अब अगले वेरिएशन की तरफ चलते हैं। तो ये वेरिएशन है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, मैंने बहुत सारी वीडियो में इस वेरिएशन के बारे में बताया हुआ है, इस वेरिएशन के बारे में। तो देखिए तो देखिए, तो देखिए इसके बोल है धाती धाता ताती धाता, धाती धाता ताती धाता। तब देखिए यहां पर घसीट कहां पर है, धा ती धा ता ता ती धा ता। अब देखिए इसमें जहां पर भी धा आ रहा है उसमें घसीट है, बस सीधा सा है, सीधा सा तरीका है, जहां पर इसमें इस वेरिएशन में धा आ रहा है वहां पर घसीट है, देखिए धाती धाता ताती धाता, धाती धाता ताती धाता। तो बस घसीट लगाइए, अब देखिए कितना अच्छा लगता है। और ये जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा स्पीड में चला जाता है, इस वेरिएशन के बारे में मैंने बताया भी हुआ है डिटेल में, बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप किसी भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो एक वीडियो में मैंने डिटेल में इजी वेरिएशन के बारे में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बजाता हूं मैं इसे स्पीड में, तो ये वेरिएशन ऐसे बजता है और कितना अच्छा ये वेरिएशन लगता है। तो घसीट से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वेरिएशन और भी हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो ये जो मैंने वीडियो में जितने भी वेरिएशन बजाए इनसे जुड़े हुए आपके सवाल थे और मैंने इस वीडियो में ये सारे वेरिएशन आपको बजाकर बता दिए। और भी जितने भी घसीट से जुड़े हुए वेरिएशन है, कहरवा वेरिएशन है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में जरूर बताऊंगा। और कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि सर जो आपकी हारमोनियम की वीडियोस है उसकी भी आप उनको भी जल्दी जल्दी अपलोड कीजिए, जिससे क्या हम बड़ी आसानी से हारमोनियम सीख सकें। और कुछ ट्यूनिंग की समस्या भी बहुत सारे दोस्तों ने बताई है कि सर ट्यून करना हमें अभी भी तबला नहीं आ रहा है, तो मैं एक वीडियो में आपको बड़ी आसानी से तबला ट्यून करके बताऊंगा। और ओनली आपको कम से कम 2 या 3 मिनट में आप अपना तबला ट्यून कर सकते हैं, पर उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है तो वो आने वाली वीडियो का वेट करें, उसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि तबले को 2-3 मिनट में कैसे ट्यून करें। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको बस एक एंड्रॉयड फोन चाहिए जिसमें आपने एक ऐप को डाउनलोड करना है,
तो प्रॉपर बड़े अच्छे ढंग से आपका तबला उसमें ट्यून हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा ले ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता रहूं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं और मुझे जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मुझसे तबला सीख रहे हैं और बहुत अच्छा बजा रहे हैं वो उनकी जो ब्लैसिंग्स है वो मेरे लिए हमेशा काम आती रहेंगी। और जो मेरी ब्लैसिंग है हमेशा उनके साथ है जो तबला सीख रहे हैं या तबला बजाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से किसी प्रश्न या किसी समस्या या किसी लेसन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।